अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। ये है सुबह का टाइम और बस अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता। अच्छा जी, ये हमने ब्रेड पकौड़ा मंगवाया है और ये मैंने दही का लस्सी बनाया है। आज आप इनसे भी मिल लें, ये मेरी सिस्टर हैं। अरे हमको तैयार तो होने। अच्छा जी, ये रात में मैंने अपनी बहन को मेहंदी लगा दिया था, तो बोली तुम मुझे लेट कर देती हो, इसलिए तुम मुझे मेहंदी अभी लगा दो। आइए, हमारे ईद के सूट हैं, ये मेरी बहन का है सूट, तो उसने ये पैंट और सूट बनवाया है और ये मैंने बना कर आपको दिखाया था। ये तलबिया का सूट है, बस इसी नॉर्मल बनवाए, कोई ख़ास तो नहीं। लॉकडाउन लगे हुए हैं इस वजह से, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने जो भी दिया हुआ है। और ये मेरा सूट है, मैंने भी सूट और प्लाजो खुद से ही बनाए हुए हैं, अपने हाथ से ही मैं अपने कपड़े बनाती हूँ। तो फिर मैं अभी इस पर प्रेस नहीं लगा हुआ है, अभी मैं इसे धुलूँगी और धुल कर प्रेस करके फिर रखूँगी। और ये रही रोजी की मेहंदी जो सुबह लग चुकी थी। अच्छा जी, तो नाश्ता हो गया है, तो आज मैं बात करूंगी कि ईद उल जुहा क्यों मनाया जाता है। मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड हैं, तो हम हिंदुस्तान में होते हैं तो उनको ये गलत फहमी होती है कि हम लोग भी बलि देते हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये बलि नहीं होती है, ये कुर्बानी होती है, जो हम अपनी बहुत प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। तो सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया है, हमारे कुरान में होता है कि अल्लाह बोलता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, जिनको अल्लाह ने ख्वाब में कहा कि ए इब्राहिम, आप मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ को हमारे राह में कुर्बान करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कहें, सबसे अजीज तो मेरा बेटा है, तो अल्लाह क्या मुझसे अजमाइश लेता है? तो उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इस वजह से तो उन्होंने अपने इस्माइल को लेकर गए पहाड़ी पर और चाकू तेज किया और आँखों में पट्टी बांधी कि ऐ इस्माइल, मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूँ। तो उस वक्त के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी औलाद थी जो अपने बापू के कहने पे कि ऐ अब्बू कि आप अल्लाह की राह पे मुझे कुर्बान करें, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात होगी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम आँख में पट्टी बांधकर और छुरी तेज करके जब ज़िबा करने लगे, तो अल्लाह पाक ने उनके जब चाकू चलाया तो उस पर फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे और एक दुम्बा भेड़ा उनकी जगह पर रख दिया। जब उनको आँख से पट्टी खुली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा नहीं हुए थे, एक दुम्बा भेड़ा कुर्बान हुआ था। तो इस वजह से आज तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हम सारे मुसलमानों पे फ़र्ज है और क़यामत तक उनकी सुन्नत पे हम लोगों को अमल करना है। इसलिए हम लोग अपनी सबसे प्यारी चीज़, अजीज चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और इसको हम कुर्बानी कहते हैं। और कुर्बानी का गोश्त हम लोग खुद अकेले नहीं खाते हैं, कुर्बानी का गोश्त का भी चार हिस्सा होता है, जिसमें एक हिस्सा हमारा खुद का होता है, एक हिस्सा गरीबों पे और एक हिस्सा मुमिन है, उनकी उम्मत है। अल्लाह हम सब के हज को, आज हज का मौका है, तो आज अल्लाह हम सब के हज को कबूल फरमाए और हम सब की कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए, हमको अपने अमन और हिफ्ज़ों में रखे, हमेशा नेक रास्ते पर हम लोगों को लेकर चले और हम सब की कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल अता फरमाए। तो ये था कुर्बानी क्यों मनाई जाती, मैंने आप लोगों को आज बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी इंशाल्लाह।